हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बावी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स आपको दिखा रहे हैं, दैट इज द मैस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। आप इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे, आपको बहुत डिटेल में दिखेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, ध्यान देना। इसमें आपको काफ़ी सिस्टम दिखाया जा रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। अभी आपको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, भी लेक्चर आपको मिलने वाला है, ध्यान देना। इधर देखेंगे, यहाँ पे स्क्रेटरी सिस्टम है, दैट इज द ह्यूमन स्किन भी इसमें इन्वॉल्व है। साथ में साथ ध्यान देना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। बच्चे लोग शांत रहेंगे थोड़ा, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको किडनी वगैरह सबका दिखेगा। देन इधर आएंगे तो आपको ह्यूमन हार्ट बहुत डिटेल में, इसका कार्डियक साइकिल भी दिया गया है, ध्यान देना। पूरा सर्कुलेटरी रिदम करके वहाँ पे देखेंगे, सर्कुलेटरी पाथवे डिटेल में बताया है। देन आप देख ही पा रहे हो, उधर मस्कुलर सिस्टम है। देन थोड़ा इधर जाएंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, दीज आर दी रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जो कि जिसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान देना, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया है। आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। देन यहाँ पे इसकी अल्वोलर मेम्ब्रेन, अल्वियोलाई, गैसीय एक्सचेंज किस प्रकार से होता है उसको भी बताया है। देन नीचे की तरफ आते हैं तो तुम्हारा दिखता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के बारे में डिटेल में, सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार से, ब्लड का मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है। देन साथ ही साथ वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिया है, कहाँ कहाँ से ब्लड कैपिलरी वगैरह कनेक्टेड है उसमें, वहाँ पे लीवर वगैरह भी दिया है, ध्यान देना। और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो पाया जाता है एज अ ह्यूमन बींग्स में, उसको डिटेल में यहाँ पे बतलाने का प्रयास किया है इस डायग्राम में, ध्यान देना। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। देन ऊपर तरफ जाएंगे तो आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र मिल रहा होगा। अब स्टूडेंट, आपको हम आगे जा रहे हैं, आगे आपको कुछ चार्ट दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे ध्यान देना, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको पाचन तंत्र कहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी डिटेल में बताया गया है मैग्नीफाई करके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ओसोफेगस, समझ रहे हो। आगे हम इसका लेक्चर भी अपलोड करेंगे। देन स्टमक एक डिटेल में, लीवर भी है, इंटेस्टाइनल विलाई भी है, समझ रहे हो, टीथ वगैरह इसमें डिटेल में करके दिखाया है, ध्यान देना। आप इसको जूम करके देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत डिटेल में दिखाई देंगी, ध्यान देना। कुछ इस तरीके से पाचन तंत्र आपको दिखाया गया है। इधर की तरफ आएंगे स्टूडेंट, आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दिखाया गया है, ध्यान देना। दीज आर दी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो कि यहाँ पे जितने भी बोन वगैरह हैं सबको डिटेल में बताया है, ध्यान से देखना, आपको दिखाई देगा काफ़ी चीज़ें डिटेल में। जितने भी बोन हैं, 206 बोन जो भी पाई जाती हैं, 206 हड्डी, पूरा डिटेल में इसमें बताने का प्रयास किया है, ध्यान से देखेंगे आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा जूम करेंगे जिससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाए, ध्यान से देखना इस तरीके से। और स्टूडेंट, इधर की तरफ आते हैं, तुम्हारा जो दिखाई देता है, दीज आर दी ह्यूमन आई, ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र जिसको कहते हैं, वो डिटेल में दिखाया गया है, ध्यान से देखना, काफ़ी डीप में है। इंपॉर्टेंट चार्ट है, ध्यान देना, ये सब 3D चार्ट है, जो कि आप देखेंगे तो काफ़ी तुमको डिटेल में चीज़ें दिखाई देंगी। देन नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नीचे की तरफ ह्यूमन ईयर यानी कि कर्ड का स्ट्रक्चर, कान का संरचना इसमें डिटेल में, कान में जो भी बोन वगैरह पाई जाती हैं, स्टेपीस वगैरह, छोटी हड्डी जो है इसमें देखेंगे, आपको बहुत डिटेल में दिखाई देगी ना। यानी कि ये स्टूडेंट आपका पूरा बायो का चार्ट है, आप इसको देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।